स्नैपर रोते हुए कहता है जागो जागो मेरी दवा तुम्हें तुम्हारी कसम और तुम्हें मेरी कसम तुम्हें उस वीडियो को डिलीट करना होगा दोस्तों यहाँ पे हमें बताया जाता है हमारे वायरल हुई होती है अब जब होबी भी अपना अकाउंट चेक करता है तो वो वीडियो वायरल पे होती है ये देख के हॉबी सोचने लगता है अब उसके पूरे इंटरनेट पे मजाक उड़ा होगा मगर तभी होबी की नजर लाइव स्ट्रीमिंग के पैसों पे पड़ती है जहाँ पे लाइव स्ट्रीमिंग की वजह ऐसी होबी का जमा हो रहा होता है हमारे हॉबी के 10 मिलियन व्यूज आए होते है तो 10 मिलियन व्यूज पे उसे 1 मिलियन यन मिलते है जो सब देख के हॉबी को अपने आंखों पे यकीन नहीं आ रहा था तो दोस्तों ये कहानी है हॉबी नाम के एक ऐसे शख्स की जो कि स्कूल में बुली होता था और काफी अगली है मगर सब उसकी एक वीडियो से उसकी पूरी की पूरी किस्मत पलट गई है और उसने वन मिलियन यन कमाए है और वो कैसे दुनिया का नंबर वन यूट्यूबर बना तो यार हमारी कहानी की शुरुआत में हम पागो नाम के एक यूट्यूबर को देखते हैं जो कि स्कूल में ही लाइव स्ट्रीमिंग करते हुए अपने सात लाख सब्सक्राइबर्स कंप्लीट होने की खुशी मना रहा होता है और यहीं पे पागो कहने लगता है आज लंच टाइम के दौरान मैं आपको अपने एक गेस्ट से भी मिलाना चाहूंगा जो की मेरी क्लासमेट है इसका नाम है रोमी तो दोस्तों इस रोमी नाम की लड़की ने भी अभी अभी हाल ही में ही अपना यूट्यूब चैनल बनाया होता है तो इनडायरेक्टली ये पागो नाम का यूट्यूबर इसे प्रमोट कर रहा है ये रोमी की लड़की ब्यूटी टिप्स वगैरह पे अपना कंटेंट बनाती होती है इसको देख के सारे के सारे व्यूअर्स अपनी थड़की पन कॉमेंट में दिखाते हुए कहने लगते है की कि लड़की कितनी ज्यादा प्यारी है कुछ लोग कमेंट सेक्शन में ही पाक गो ऐसी पूछने लगते हैं मत बताओ कि कहीं ये तुम्हारी न्यू गर्लफ्रेंड तो नहीं है रूमी इसी तरह अपने ब्यूटी शशके वगैरह दिखा के सबको कह रही होती है की मैं अभी अभी यूट्यूब में आई हूँ तो प्लीज यार मेरे साथ नरमी करो और तुम लोग मेरे ब्यूटी टिप चैनल को जितना ज्यादा सपोर्ट दिखा सकते हो उतना ज्यादा दिखाओ ना कि सिर्फ इतना बल्कि ये नोमी नाम की लड़की बार बार कैमरे का एंगल अपने साजिद माजिद की तरफ करवा रही होती है ताकि ज्यादा से ज्यादा वो व्यूअर्स को अट्रैक्ट कर पाए जिन समय पागो यहाँ पे रूमी से सवाल पूछता है वो सब तो ठीक है रूमी लेकिन हमारे प्यारे से व्यूअर्स को तुम थोड़ा सा अपने चैनल के बारे में क्यूँ नहीं बताती रूमी इसके जवाब में सभी व्यूअर्स ऐसी जहमत हो कहने लगती है कि अब तक तो तुम लोगों को मेरी ब्यूटी से अंदाजा हो ही गया होगा कि मेरी स्किन कितनी ज्यादा नेचुरल ग्लोइंग है तो मैं अपने यूट्यूब चैनल में भी ब्यूटी टिप्स देती हूँ कि अपनी स्किन को कैसे अच्छा बनाते हैं और साथ ही साथ मैं मेकअप भी देती हूँ तो मेरी वीडियो टीन लड़कियों के लिए काफी ज्यादा यूजफुल है तभी रूमी यहाँ पे एक स्कूल में ही लड़की की तरफ ध्यान करवाते हुए कहने लगती है ये मेरा मॉडल है जिसके ऊपर मैंने अभी अभी मेकअप किया तो दोस्तों इस जो अगली शक्ल वाले बंदे को आप देख रहे हैं जिसे इस रूमी नाम की लड़की ने लगभग जोकर ही बना दिया ये बंदा हमारा मेन कैरेक्टर है जिससे ये लोग जबरदस्ती अपना काम वगैरह निकालते हैं और इसे बुली करते हैं क्योंकि हमारा मेन हॉबी काफी ज्यादा वीक है और ऊपर से अगली भी है जो सब देख के हॉबी यहाँ पे मन मन में कहने लगता है की जब से मेरे क्लासमेट्स ने यूट्यूबिंग शुरू किया है मेरी तो जिंदगी कसम से जंड बन चुकी है अगर तुम लोग मेरा मजाक यू ही सोशल मीडिया में उछाल लो या फिर बना रहे हो तो एटलीस्ट मुझे रेवेन्यू में से कुछ हिस्सा तो दो ना ताकि मैं भी यूट्यूब ऐसी दो चार पैसे ही कमा हॉबी का यू कैमरे के सामने देख के सैपर नाम का बंदा कहने भी लगता है कि इसका चेहरा ठीक नहीं आ रहा क्योंकि ये सैपर नाम का बंदा पागो का कैमरा मैन है तो दोस्तों पागो यहाँ पे कैमरे को थोड़ा सा मोड़ते हुए हमारे हॉबी को दमकाने लगता है की अगर तुम अभी नहा तो मैं तुम्हारा बहुत बुरा हाल करूंगा तो इससे हमें ये मालूम पड़ता है की ये पागो नाम का बंदा कैमरे के सामने काफी अच्छा बनने का नाटक करता है असल लाइफ में वो एक बुली है यहाँ तक पार को सारे व्यूवर ऐसी सहमत हो के कहने लगता है कि आज लाइव स्ट्रीमिंग में मुझे जो जो भी सब्सक्राइब करेगा तो उन्हीं बंदों में से मैं एक रैंडम बंदे को चुन के अपना सबसे खतरनाक किस्म का पीसी उसे गिव अवे कर दूंगा ये सुन के हॉबी अपने मन ही मन में कहने लगता है ये कितनी बार अपने व्यूवर्स को चूना लगाएगा और उनसे झूठ बोलेगा इसने आज तक जितनी बार भी लाइव स्ट्रीमिंग में ये कहा है इसने सिर्फ और सब जूटी बोला है तो आखिर में ये लोग व्यूवर्स को ग्रीट करते हैं और हॉबी को जबरदस्ती हसा के इस लाइव स्ट्रीमिंग को यहाँ पे एंड करते हैं दूसरे सी में हम हॉबी को बाथरूम में काफी ज्यादा मायूसी से अपने चेहरे को दोते हुए देखते हैं जहाँ पे हॉबी रगड़ रगड़ के अपने चेहरे को साफ कर रहा होता है लेकिन मेकअप हटने का नाम तक ही नहीं ले रहा होता फिर वो खुद से जहमत होके के क्या नहीं लगता है की आखिर में स्कूल आता ही क्यूँ सब इनसे पिटने या फिर अपने आपको जोकर बनाने जो बस मेरी जिंदगी में यही है एक तो मेरी माँ भी काफी ज्यादा बीमार है और हॉस्पिटल में एडमिट है उनके इलाज के लिए मैं पैसा इकट्ठा कर रहा और ऊपर से मैं काफी ज्यादा गरीब भी हूँ जबकि यही कुत्ते मेरा यूट्यूबिंग में पूरा पूरा इस्तेमाल करते हैं और मेरे को रेवेन्यू में से एक फूटी कौड़ी तक नहीं देते ये सब कहते हुए हॉबी की आंखों से आंसू भी बहरे होते हैं हॉबी सोचने लगता है की स्कूल में हर किसी न किसी के पास पैसे छापने का अलग ही टैलेंट है सबसे पहले बात लेते हैं पाक गांव के बारे में जिसकी क्लास में ग्रेड्स काफी ज्यादा लो है लेकिन इसके बावजूद भी इसके सब्सक्राइबर्स सात लाख है जिस वजह से ये दिनों में ही लाखों कमाता है और महीना में तो करोड़ों छापता है फिर आती है रोमी जो कि अभी नई नई यूट्यूबर बनी है और अपनी लुक्स वगैरह की वजह से काफी ज्यादा व्यूवर्स को अट्रैक्ट कर पाती है तभी और फिर तभी तो मैं आता हूँ जो की सड़क चाप हूँ इनका नौकर हो इनका गुलाम हो वो भी ऐसा वैसा नौकर जिसको काम करने के पैसे तक नहीं मिलते ना ही मैं स्मार्ट हूँ ना ही मैं अमीर हूँ ना ही मेरे पास लुक्स है मैं बस एक अगली हूँ अपने मुहात को धोने के बाद हमारा मेन करेक्टर हो भी क्लास रूम में वापस लौट के जाता ही है के इसी में पागो का कैमरा मैन स्ने हमारे मेन कैरेक्टर पे ठुडो की बारिश करके उसे जमीन में पटक डालता है इसके बाद वो उसे काफी ज्यादा लाते मारते हुए कहने लगता है की मैंने तुम्हें कहा था की तुमने कैमरे के सामने मुस्कुरा है मगर जरा देखो तो सही तुम जाम के अपना लटकाया हुआ मुँह लेके बैठे हुए थे अब स्ट्रीमिंग पे इसका असर पड़ेगा हॉबी उससे पिटते दौरान कहने लगता है मैं इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता क्यूँकी ये पाक गोह का चमचा है और पाक गोह हमारे स्कूल में सबसे खतरनाक बुली है लोग उसे थर थर कामते हैं मगर फिर भी इसको अपने से दूर करवाने के लिए मेरी एक खतरनाक लुक ही काफी है ये कहते हुए हॉबी उसे अपनी कातलाना निगाह से जुई घूरता है तो स्नैपर की वही पे गीली हो जाती है क्योंकि हमारे हॉबी को भी पता है कि स्नैपर काफी ज्यादा कमजोर है अगर वो स्ट्रॉन्ग भी है तो सिर्फ पागो का कैमरा मैन होने की वजह ऐसी अब जब स्नैपर का डर बढ़ नहीं लगता है तो वो यहाँ पे पागो का नाम पुकारता है और स्नैपर को भी मालूम है की जब तक पाग मेरे को देख रहा है तो मेरा कोई भी कुछ नहीं उखाड़ सकता हॉबी गिरे हुए सोचने लगता है चाहे बल ही पाग इसे भी ज्यादा पैसे वगैरह तो नहीं देता मगर पागो के चमचे होने के नाते इसको पूरी पूरी अथॉरिटी दी गई है और जो भी इसके खिलाफ अपनी उंगली भी उठाएगा तो उसे पागो का सामना करना पड़ेगा थोड़ी देर में हॉबी की नजर होमी में जाती है जो की अपने मोबाइल को चेक करने के बाद खुशी से पागल होने लगती है क्योंकि सिर्फ और सिर्फ पागो की एक प्रमोशन के ही कारण रोमी ने लंच ब्रेक के दौरान ही तीस हजार यन छाप लिए होते हैं रोमी काफी बढ़ चढ़ के यहाँ पे पागो का शुक्रिया अदा करती है लेकिन यह अमाउंट सुन के हमारे हॉबी के पैरों तले जमीन के सचाती है क्योंकि क्यूँकि लंच ब्रेक के दौरान तीस हजार यन तो जरा सोचो वो महीने के कितना ज्यादा कमाएगी जो देख के हॉबी ये कहने लगता है कि काश काश के मैं सोचता हूँ कि मैं भी यूट्यूबर बन पाऊ मगर वो ये जैसे जैसे क्या होता है उसके साथ में ही बैठा स्नैपर भी यही कहने लगता है जो देख के हमारे हॉबी का ध्यान अब हेरानी से स्नैपर की ओर पड़ता है की क्या ये भी यूट्यूबर बनना चाहता है स्नेगो से पूछने लगता है की एक यूट्यूब चैनल खोलने के लिए किन किन चीजों की जरूरत होती है पागो ऐसी कहता है कि तुम अभी 18 साल के नहीं हुए तो पैसा वगैरह छापने के लिए तुम्हें अपने पेरेंट्स का अकाउंट वगैरह इस्तेमाल करना पड़ेगा जो सुन के स्ने कहने लगता है अबे यार कुछ महीने पहले ही मैंने अपने फादर के बैंक अकाउंट से कुछ पैसे वगैरह उड़ा दिए थे जिस वजह से वो अभी मुझे अपने बैंक को छूने तक नहीं देते ये कहते हुए स्ने का ध्यान हॉबी पे पड़ता है जो देख के स्नैपर कहने लगता है एक मिनट हॉबी क्या तुम्हारी माँ अभी भी जिंदा है ये मैं कैसी बातें कर रहा हूँ वो जिंदा ही होगी लेकिन खैर वो हॉस्पिटल में मरने के लिए पड़ी हुई है तो इससे अच्छा तुम उसका बैंक अकाउंट मुझे यूज करने दो ये सब देख के पाग भी हंसने लगता है यहाँ पे हो भी अपने मन ही मन में कहने लगता है वैसे मैं कितना ज्यादा बुजिलो उस, उस बंदे ने खड़े खड़े क्या ऐसी क्या मेरी माँ के बारे में बोल दिया और मैं चुपचाप यहाँ पे कोने में पड़ा हुआ वो अपनी बीमार माँ से अपने मन ही मन में माफी मांगने लगता है दूसरे सी में हॉबी अपनी मदर को विजिट करने के बाद उसकी हॉस्पिटल बिल की फीस पे करता है थर्टी येन होते है। इसी सब पर हॉबी को वो पल याद आता है जहाँ पे रोमी स्कूल में बस आराम से बैठे बैठे ही उसने कुछ ही मिनटों में तीस हजार यन छाप लिए थे लेकिन हॉबी को तीस हजार यन छापने के लिए पूरा हफ्ता लगातार मेहनत करनी पड़ती है स्कूल वगैरह से फारुग हो जाने के बाद वो मैकडोनल में पार्ट टाइम जॉब करता होता है पैसे वगैरह छापने के लिए उससे लगने ही लगता है कि उसकी लाइफ काफी बोरिंग है कि हमारे हॉबी की नजर भूमि नाम की एक लड़की पे पड़ती है जो कि वहीं पे काम करती होती है तो दोस्तों ये भूमि नाम की लड़की हमारे हॉबी की क्रश होती है और एक दिन उसका सपना होता है की वो जरूर पटाएगा सब कुछ स्मूथली चला होता है की अनजाने और जाने में कैसे न कैसे करके यहाँ पे पाग गॉँव लाइव स्ट्रीमिंग करता हुआ पहुँच जाता है पाग गो की नज़र जो ही भूमि पे पड़ती है तो वो से भी अपनी लाइव स्ट्रीम में कैप्चर करता है क्योंकि वो काफी ज्यादा खूबसूरत होती है देखते देखते पागो से एक चैलेंज करता है जो कि व्यूवर्स ने पागो को करने के लिए कहा होता है पागो उस लड़की से कहता है कि तुम्हें मैं तीस सेकंड देता हूँ और तीस सेकंड के अंदर ही अंदर तुम्हें इस जैसा तस्वीर दिखने वाला बर्गर बनाना होगा अगर तुम नाकाम रही तो तुम्हें मुझे अपना नंबर देना पड़ेगा जो सुन के कॉमेंट में ऑडियंस पागल होने लगती है जो सुन के हमारे हॉबी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है पागो को अंदर ही अंदर से मालूम होता है की थर्टी सेकंड में ऐसा बर्गर बनाना लगभग नामुमकिन ही है मगर पैरों तले जमीन तो तब खिसकती है की हॉबी अचानक से वही तस्वीर में दिए हुए को 30 सेकंड के अंदर बना के पेश कर देता है उसके चेहरे को देख के दोनों हिरांगी से क्याने लगते हैं अबे तू तो हॉबी है हॉबी ने चाहे बली उस लड़की को तो बचा लिया लेकिन अब हॉबी सोचने लगता है की जैसी लाइव स्ट्रीमिंग खत्म होगी तो कल स्कूल में मुझे काफी मार पड़ने वाली है मगर इसी वजह से भूमि को हमारे हॉबी से काफी ज्यादा खुशी होती है दूसरे सीन में हम स्नैपर को देखते हैं जो की हमारे मेन कैरेक्टर के घर में आके लाइव स्ट्रीमिंग कर रहा होता है वो भी उसकी ही मदर के अकाउंट वगैरह का यूज करते हुए ना बल्कि उसने हॉबी से कहा होता है की मेरे लिए खाना बना के लाओ देखते देखते स्ने स्नैपर को लाइव स्ट्रीमिंग के दौरान एक बंदा चैलेंज करते हुए कहने लगता है की अगर तुमने लगातार किल किए तो मैं तुम्हें दूंगा जो सुन के काफी खुशी से पागल होते हुए करना शुरू करता है और थोड़ी देर में वो ट्वेंटी एट खिल्स कर भी लेता है मतलब की दो और खिल्स करेगा और उसे तीस हजार यन मिलेंगे अब इस पर भी हमारे हॉबी को थोड़ी सी जलन होने लगती है की मेरे मदर का यूजर नेम यूज कर रहा है और फिर भी मेरे को एक रुपया तक नहीं दे रहा ये सब सोचते हुए वो जू खाना उसके लिए ले जाने ही लगता है के बेदहानी में हॉबी की टाक मोनिटर की वायर में फंसती है और इसी वजह से उसका मोनिटर शट डाउन हो जाता है ना के इतना बल्कि सारा का सारा खाना भी स्नैपर के मुंह पे गिरता है अगले ही पल में स्नैपर गुस्से से पागल होते हुए हमारे मेन कैरेक्टर को फिर से ऐसी मारने लगता है और वो कहता भी है की हॉबी अब तुम तो मेरे तीस हजार येन कैसे झुकाओगे मैं उस चैलेंज को कम्प्लीट करने के काफी ज्यादा करीब था हॉबी को यहाँ पे होश आती है की एक मिनट ये मेरे ही घर में मेरा ही पैसा छाप रहा है और मेरी मदर का अकाउंट भी यूज कर रहा है ऊपर से मेरी मदर को बुरा बुरा भी कह रहा था और अब मेरे ही घर में आके मुझे ही मार रहा है यहाँ तक स्नेपर ये भी कह देता है कि की तुम्हारी अपनी हरकतों की वजह से तुम्हारी माँ हॉस्पिटल में एडमिट है तो दोस्तों ये बस हॉबी के सुनने की ही देर होती है हॉबी जमीन में से खाना उठा के उसकी आंखों पे फेंकता है फिर उसके तुरंत बाद एक खतरनाक किस्म का भूसा सीधा स्नैपर के मुंह पे मारता है जिससे यहाँ तक स्नैपर की अक्कल ठिकाने आ जाती है हमारा हॉबी अपने मनी मन मन ही में कहने लगता है यार जिंदगी में पहली बार मैंने किसी के खिलाफ अपने हाथ का इस्तेमाल किया मगर दोस्तों स्नैपर को भी काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो भी मुड़ के एक खतरनाक किस्म का पंच हमारे हॉबी के चेहरे पे मारता है लेकिन अब हॉबी का डर उसके खिलाफ खत्म हो चुका होता है हॉबी आगे बढ़ के उससे अपने हाथों से जा पकड़ता है दोनों के हाथों में जो भी चीजें लगती होती है दोनों के दोनों दूसरे के खिलाफ उससे वार करते चले जा रहे होते हैं मेरे भाई बाईल मगर दोस्तों हमारी नजर कैमरा पे पड़ती है जिसकी रेड लाइट अभी तक ऑन होती है तो इसका ये मतलब है चाहे भले ही होबी का पैर तार में में लगा था लेकिन वो असल मॉनिटर की तार थी ना कि पीसी की तार तो इसका ये मतलब है कि पीसी अभी भी ऑन है और लाइव स्ट्रीमिंग में ये सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है दूसरे सी में हम देख पाते हैं आखिरकार स्नेपर भी यहाँ से लड़ लड़ के और मार खा के चला ही गया होता है वहीं पे हम होबी को देखते हैं जो के आसपास की चीजों को देख के क्या नहीं लगता है कि इन सब पे दोबारा से पैसा लगेगा इन्हें ठीक करने में और अब इलेक्ट्रिसिटी के बिल वगैरह को भी बचाने के लिए हमारा हॉबी सारे के सारे स्विच वगैरह को ऑफ कर देता है तो इसी वजह से कंप्यूटर अब पूरे तरीके से ऑफ हो जाता है पर फिर भी जो रिकॉर्ड हो के लाइव स्ट्रीम में चढ़ चुका है वो लाइव स्ट्रीम में चढ़ चुका है और अब अनजाने में पता नहीं उसे कितने लोग देख भी चुके हैं अब सुबह सवेरे होती ही है कि यहाँ पे हमारे हॉबी को स्नैपर की कॉल आती है वो जैसे ही कॉल उठाता है स्नैपर चिल्लाते हुए कहता है हॉबी मुझे तुम्हारी कसम कि मैं लुट गया मैं बर्बाद हो गया तुम्हें तो जल्दी से उस वीडियो को डिलीट करना होगा वो वीडियो इस वक्त ट्रेंडिंग पे है और हर कोई उसे ही देख रहा है स्नैपर उसे एक्सप्लेन कर है जिस वायर पे तुम्हारा पैर आया था असल में मोनिटर की तार थी न की पीसी की तो इसका मतलब था की लाइव स्ट्रीमिंग जा रही थी और हम दोनों को पागलों की तरह लड़ते हुए इस वक्त दुनिया ने देखा है आखिर ये सब सुन के हमारे हॉबी की भी रूह कहा उठती है स्ने रोते हुए कहता है जागो जागो मेरी दवा तुम्हें तुम्हारी कसम और तुम्हें मेरी कसम तुम्हें उस वीडियो को डिलीट करना होगा दोस्तों यहाँ पे हमें बताया जाता है हमारे मेन करेक्टर की लड़ाई इस कदर वायरल हुई होती है क्या हर कोई उससे ही देख रहा होता है अब जब हॉबी भी अपना अकाउंट चेक करता है तो वो वीडियो वायरल पे होती है ये देख के हॉबी सोचने लगता है की अब उसके पूरे इंटरनेट पे मजाक उड़ा होगा मगर तभी हॉबी की नजर लाइव स्ट्रीमिंग के पैसों पे पड़ती है जहाँ पे लाइव स्ट्रीमिंग की वजह से हॉबी का पैसा जमा हो रहा होता है हमारे हॉबी के दस मिलियन व्यूज आए होते हैं तो दस मिलियन व्यूज पे उसे वन मिलियन यन मिलते हैं जो सब देख के हॉबी को अपने आंखों पे यकीन नहीं आ रहा था तो दोस्तों ये कहानी है हॉबी नाम के एक ऐसे शख्स की जो कि स्कूल में बुली होता था और काफी अगली है मगर सब उसकी एक वीडियो से उसकी पूरी की पूरी किस्मत पलट गई है और उसने वन मिलियन कमाए है और वो कैसे दुनिया का नंबर वन यूट्यूबर बना मगर फिलहाल आप लोग मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा और यहीं पे हमारी वाली एपिसोड यहाँ पे खत्म होती है